हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव फैक्ट। इंडक्टिव फैक्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी बात सुने। देखो, यदि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, आप क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। यदि आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हैं, आपके बहुत अच्छे से आपने समझा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान लग रही होगी, है ना। और यदि आपने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को रटा है, समझा नहीं है, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, है ना। तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ही पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में सबसे पहले कवर करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है जरा समझ लेते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल मॉलिक्यूल पर जाएंगे, HCl पर। ये HCl मॉलिक्यूल है, आपको ये पता है इस HCl मॉलिक्यूल में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हाइड्रोजन की कंपेयर में ज्यादा हुआ करती है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये Cl की ओर ट्रांसफर हो जाता है। पता है आपको, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से Cl पर थोड़ा सा नेगेटिव आता है और H पर थोड़ा सा पॉजिटिव आता है, है ना। तो इस पर नेगेटिव आया, जिस पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है उस पर नेगेटिव आया और दूसरे एलिमेंट पर पॉजिटिव आया। इस तरीके के इफेक्ट को हम लोग बोला करते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। क्या बोला करते हैं? पोलराइजेशन इफेक्ट। पोलराइजेशन इफेक्ट का मतलब क्या है? एक एटम पर नेगेटिव चार्ज, दूसरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज, है ना। जैसे अगर हम ऐसा कुछ कहें HBr में क्या होगा, Br की इलेक्ट्रोनिटी हाइड्रोजन तो कंपेयर में क्या होगी, ज्यादा होगी, तो यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव होगा, यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ये भी क्या है आपका? पोलराइजेशन इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी तरीके का इफेक्ट यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर, तो उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो इफेक्ट वर्क करता है उसी क्या बोला करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोला करते हैं। फिर से सुने, ये जो पोलराइजेशन इफेक्ट है यदि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पाया जाता है तो इसी इफेक्ट को हम लोग बोला करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट बोला करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मैंने कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट नहीं की है, ठीक है। कार्बन कार्बन को जोड़ दिया, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए होते हैं। हमने यहां पे क्या लिया, Cl ले लिया, ठीक है। तो आपको पता है कार्बन और Cl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो आप कहेंगे Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो होगा क्या, Cl की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक, आपको पता है। और आपको यह भी पता है यदि एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा कार्बन ऐसा ही हो जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, तो किसकी इलेक्ट्रोनिटी हाई होगी, तो आप कहेंगे सर कैटाइन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ज्यादा हुआ करती है, क्योंकि कैटाइन में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा होती है, और जिस एटम में या जिस आयंस में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा हुआ करती है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हुआ करती है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा Na+ की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है या Na की, तो आप कहेंगे तुरंत ही कि Na+ की सर ज्यादा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आपको पता है, है ना। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा Cl- की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है या Cl+ की, तो आप तुरंत ही इलेक्ट्रॉन को यहां पे बनाएंगे और आप कहेंगे सर देखो यहां पे पॉजिटिव साइड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड को अट्रैक्ट होगा, इसकी वजह से Cl+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, Cl- की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl+ से कम होगी। इसी तरीके से यही इफेक्ट यहां पर भी वर्क करता है, C+ की ये जो यहां पर Δ+ है, ये Δ- और Δ+ का मतलब बस इतना सा होता है कि यहां पे थोड़ा सा नेगेटिव है और थोड़ा सा पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव है और ये कार्बन है, न्यूट्रल कार्बन है, किसकी इलेक्ट्रोनिटी हाई होगी, तो आप कहेंगे पॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रोनिटी हाई होगी, तो यहां पर क्या होगा, कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहां पर भी पॉजिटिव डेवलप्ड होगा, लेकिन ये जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव की तुलना में कम होगा। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोनिटी हाई होगी, इसकी लो होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसकी ओर ट्रांसफर होंगे, जिसकी वजह से यहां पर भी पॉजिटिव डेवलप्ड हो जाएगा,
है ना, और ये जो पॉजिटिव है इसकी तुलना में कम होगा, है ना। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर ट्रांसफर होंगे, यहां पर भी पॉजिटिव डेवलप्ड होगा, और ये जो पॉजिटिव होगा वो इन पॉजिटिव की तुलना में सबसे कम होगा। मतलब कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा पॉजिटिव ये होगा, उसके बाद पॉजिटिव ये, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज यहां पर डेवलप्ड होगा। क्लियर हो गया इतना। चलिए फिर से सुने ध्यान से, एक बार फिर से सुने। जैसे ये कार्बन चेन है, यहाँ पे एक क्लोरीन एटम लगा हुआ है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में अधिक होती है, आपको पता है। तो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की ओर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्लोरीन पर नेगेटिव आता है, कार्बन पर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और आपको ये पता है पॉजिटिव चार्जेबल जो होता है कार्बन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक हाई होती है। तो इसी तरीके से होगा क्या, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होते जाएंगे और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता चला जाएगा। जैसे जैसे ये कार्बन चेन इधर की ओर बढ़ती है तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, निग्लेजिबल हो जाता है। और होता क्या है, चार कार्बन के बाद, एक दो तीन चार, चार कार्बन के बाद यहाँ पे जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो बहुत ही कम आएगा, मतलब कि बिल्कुल ही कम आएगा, निग्लेजिबल होगा। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिर्फ चार या पांच कार्बन तक वर्क करता है, कार्बन चेन में चार या पांच कार्बन तक वर्क करता है, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट निग्लेजिबल हो जाया करता है। क्लियर हुआ ना, है ना। एक बार जैसा फिर से समझे, जैसे मान लेते हैं ये कार्बन चेन है, कार्बन चेन से मैंने OH लगा दिया, तो आप क्या कहेंगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में ज्यादा हुआ करती है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किधर की ओर हो रहा है, ऑक्सीजन की ओर हो रहा है, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाता है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ जाता है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो आप कहेंगे जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज की तुलना में क्या होगा, कम होगा। इसी तरीके से अगर हम यहां पर कंपेयर करें तो आप तुरंत ही कहेंगे सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी, इसकी हाई होगी, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस कार्बन की ओर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाया करता है, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इनकी तुलना में क्या होगा, कम होगा। क्लियर हो गया इतना। चलिए, ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है, मतलब हम कह सकते हैं पोलराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो पोलराइजेशन होता है उसी को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। कैसे, जरा समझने की कोशिश करना। हमने ये कहा ये कार्बन चेन है, जरा इसे मिटाते हैं। ये आपकी कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन है आपकी, बहुत सारे कार्बन लगे होते हैं, यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है जेड। अब ये जो जेड ग्रुप है वो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसके बेस पर जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो टू टाइप्स का होता है। फिर से सुने, ये जो कार्बन चेन में जेड ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अटैक करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को खींचता है या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, इस बेस पर जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप्स का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। क्या मैंने कहा, फिर से सुने, कार्बन चेन में अगर कोई ग्रुप कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, जैसे जेड यहां पर है, ये इंक्रीज या डिक्रीज करता है कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो इस आधार पर, इस बेस पर जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो टू टाइप्स का होता है, दो प्रकार का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हुआ करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होते कौन कौन से हैं, जरा समझने की कोशिश करें। अगर ऐसे कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन में, ये जो कार्बन चेन है इसमें ऐसे कोई ग्रुप जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, तो ऐसे ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं कार्बन चेन में। और ऐसे ग्रुप जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं या फिर अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं,
कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं तो ऐसे ग्रुप क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। फिर से सुने एक बार, ऐसे ग्रुप जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, और ऐसे ग्रुप जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, जब समझ लेते हैं कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं और कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया करते हैं, जब समझने की कोशिश करना। जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। फिर से सुने ध्यान से, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया करते हैं। इसका मतलब क्या है, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो किया करते हैं। मैंने ये कहा कि एल्काइल ग्रुप कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एल्काइल ग्रुप किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन से ना, तो जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा वो उतना ही ज्यादा कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। फिर से सुने, मैंने क्या कहा था अभी, जितने भी एल्काइल ग्रुप हुआ करते हैं वो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा वो उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, है ना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये आपका है, ये आपका एल्काइल ग्रुप है, है ना। दूसरा एल्काइल ग्रुप मैं ये ले लेता हूं, तीसरा एल्काइल ग्रुप मैं ये ले लेता हूं, और चौथा एल्काइल ग्रुप में ये ले लेता हूं। तो आपसे यदि कोई पूछे बताइए जरा किस एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे टर्शियरी का सबसे ज्यादा, इसका, क्योंकि इसमें चार कार्बन है, है ना, उसके बाद सेकेंडरी का, उसके बाद प्राइमरी का, उसके बाद मिथाइल का। जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा वो उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ये टर्शियरी ग्रुप होता है, आपको पता होगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन है। ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा है, टर्शियरी कार्बन है। क्यों, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, है ना। और ये आपका सेकेंडरी ग्रुप है, क्यों है, क्योंकि ये 2 कार्बन जुड़ा है, 1 कार्बन 2 कार्बन। ये कार्बन क्या है, आपका प्राइमरी ग्रुप है, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है वो, ये वाला जो कार्बन है वो 1 ही कार्बन से जुड़ा है। ये आपका मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो होगा। क्लियर हो गया इतना। ये जो अगर हम कुछ ऐसा करें हाइड्रोजन की जगह पे इसके आइसोटोप्स लें, जैसे CT3, CD3 और CH3, क्या किया मैंने, हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लिए। हाइड्रोजन कितने आइसोटोप्स होते, 3 होते, पता है ना आपको, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। मैंने क्या किया, हाइड्रोजन जगह पे उसके आइसोटोप्स ले लिया। अगर आपसे ये पूछे बताओ जरा इन आइसोटोप्स में किसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, तो आप क्या कहेंगे, सर इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा CT3, CD3 और CH3 का। क्या मैंने कहा, हाइड्रोजन यदि आइसोटोप्स ले लेते हैं तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होगा, CT3, CD3 और CH3। मतलब कि ट्राइटियम जो होगा सी के साथ, कार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो उसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा हुआ करता है। अगर आपसे कोई ऐसा कुछ पूछे बताओ जरा किसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा CT3 का, एक मिनट यहां पे लिख देते हैं ना, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है। अगर आपसे कोई ऐसा कुछ पूछे बताओ जरा किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो आप तुरंत ही बताएंगे इसका, इस ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। क्लियर हो गया इतना। चलिए, ये प्लस आई इफेक्ट तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे ग्रुप जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं वो क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब हम लोग माइनस आई इफेक्ट पर जाते हैं। मैंने क्या कहा था, यदि कोई ऐसा ग्रुप है जो कार्बन चेन में
यदि जेड कोई ऐसा ग्रुप है जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को जेड की ओर खींचता है, कोई ऐसा ग्रुप जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, मान लीजिए जेड ऐसा कोई ग्रुप है जेड जो कार्बन चेन से, इस कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है कार्बन चेन में, तो जेड माइनस आई इफेक्ट प्रदर्शित करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो हम लोग सिंपली बोल देते हैं ऐसे ग्रुप, बे ग्रुप जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया करते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। अब कुछ ऐसे ग्रुप को हम लोग कंपेयर करेंगे जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, जरा समझे ध्यान से। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा एफ सी एल बी आर आई, आपसे कोई पूछे बताओ जरा किसका माइनस आई इफेक्ट जो होगा, ये ग्रुप है ना, ये जुड़े हुए हैं कार्बन चेन से, किसका, मैंने क्या कहा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो क्लोरीन की तुलना में ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो फ्लोरीन क्या करेगा, कार्बन चेन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा अपनी ओर, और कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, बहुत कम कर देगा। तो अगर आपसे कोई कहे बताओ जरा हेलोजन, हेलोजनों में किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो आप कहेंगे फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का, यही ऑर्डर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हुआ करता है। अगर आपसे कोई पूछे, ये आपका पहला एग्जांपल है, ये दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा एफ और OH में किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो आप तुरंत ही बताएंगे जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, आप तुरंत ही बताएंगे फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा हुआ करता है। अगर कुछ इस तरीके से बोले, बताइए जरा NH2 सिंगल बॉन्ड है, ये ग्रुप बना हुआ है, और NH3 पॉजिटिव, किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन है आपका, जरा समझिए कंपेयर करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है आपका, बताओ जरा पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या फिर एन न्यूट्रल वाला, तो आप तुरंत ही कहेंगे पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो NH3 है इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा NH2 की तुलना में। ठीक है, ये आपका थर्ड एग्जाम्पल था, ये फोर एग्जाम्पल जरा समझिए। अगर आपसे कोई पूछे OH और SH में माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा किसका होता है, तो आप तुरंत ही बताएंगे OH का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे CHO और COCl में किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखो जरा COCl कॉमन है, COCl कॉमन है, HOCl में किसकी इलेक्ट्रॉनिटी हाई है, Cl की हाई है, तो माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, COCl का ज़्यादा होगा, ऐसे समझ सकते हैं, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं आप, ये कार्बन बॉन्ड बनाता है, कार्बन बॉन्ड बनाता है, ये क्या करेगा Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर निगेटिव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इस Cl के रिस्पेक्ट में, क्या H कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है ना, नहीं ना, ऐसा तो होता नहीं है, H जो होता है कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से H ये इस वाले बॉन्ड का पोलराइजेशन ज़्यादा हो नहीं पाता है और यहाँ पे पॉजिटिव आ नहीं पाता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है और माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा हो जाया करता है ना। देखो हर एक चीज़ को आपको रिपीटेशन देखना है, क्या करना है, वीडियो को बार बार देखना है, जिससे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। एक बार में यदि आप वीडियो क्लास को देखते हैं तो चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाती, क्योंकि हम बोलते हैं यहाँ पर लिखवा तो रहे नहीं है, हम आपको एग्जांपल सारे बता रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम ऐसा भी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि आप लिखें ही लिखें, है ना, लेकिन आप लोग वीडियो की हेल्प से अच्छे से लिख सकते हैं और अपना नोट्स प्रॉपर फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लेते हैं कुछ इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से दिया हो, एक ग्रुप यह हो, ये हो, दूसरा
ऐसा ग्रुप हो, तीसरा ये ग्रुप हो। आपसे पूछा जाए बताओ जरा किसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, तो आपको इतना पता है। अब देखो जरा, सभी कार्बन है ना, सब कार्बन है, आप कैसे कंपेयर करेंगे किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। तो आपको इतना पता है कि ये यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और यहाँ पर sp2 होता है और यहाँ पर sp3 होता है, पता है ना आपको। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp होता है, पता है ना। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है ना, नहीं आता तो सिखा देंगे, ठीक है। अभी तक लिए इतना समझो कि ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp होगा, डबल बॉन्डेड है तो sp2 होगा, सिंगल बॉन्डेड है तो sp3 होगा, बस इतना समझ लें अभी, है ना। और sp हाइब्रिडाइजेशन होता है sp और sp2 और sp3 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ होती है, तो आप कहेंगे sp में, उसके बाद sp2 में, उसके बाद sp3 में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की सबसे ज़्यादा हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा है माइनस आई इफेक्ट उसका ज़्यादा है। तो किस ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, इस वाले ग्रुप का, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। आपको ये भी पता होगा एस करेक्टर यहाँ पे कितना होता है, 50% होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनिटी सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। यहाँ पे कितना होता है एस करेक्टर, इसका लगभग 33% होता है, इसे यहाँ पे कितना होता है 25% होता है, इतना पता है आपको। चलिए अगर हम और एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे मान लेते हैं ये आपका, उसके बाद CH डबल बॉन्ड्स, एक ये ग्रुप है आपका, उसके बाद ये ग्रुप है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि बताओ जरा किसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, तो सिंपली फिर से इसी तरीके से बता सकते हैं, इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, क्योंकि इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इसकी, सबसे कम इसकी इलेक्ट्रॉनिटी है। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा हुआ करता है। क्लियर हो गया इतना। देखिए हम लोग आज इतना ही कवर करते हैं ना, आप लोग क्या करें वीडियो को बार बार देखें, जिससे कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो। अगर आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम लोगों ने अभी कंसेप्ट सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट क्लियर किया है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, है प्लस आई इफेक्ट का, माइनस आई इफेक्ट का, ये सब यूज करेंगे, ठीक है। इन एप्लीकेशन का मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग क्या करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में करते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं, है ना, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, उसके बाद फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक करेक्टर को कंपेयर करते हैं, एमाइंस के बेसिक करेक्टर को कंपेयर करते हैं, ये सब के सब आपके इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं।